हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि आप अपने बालों की केयर किस तरह से कर सकते हो। आपको हेयर फॉल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, साथ में आपके हेयर ग्रोथ बिल्कुल नहीं हो रही है, चाहे आप हेल्दी डाइट भी ले रहे हो, और आपके बालों की वॉल्यूम बिल्कुल नहीं है, और आपके बाल बहुत ज़्यादा रफ है, ड्राई हैं, बिल्कुल झाड़ू जैसे आपके बाल हैं, और आपके स्प्लिट एंड की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो फ्रेंड्स, हमारी जो है वो हेयर ग्रोथ कहाँ से होती है? स्कैल्प से। तो स्कैल्प के जो हमारे पोर्स होते हैं, अगर ये क्लॉक हो जाए तो आप जितनी मर्जी अच्छी डाइट लीजिए, चाहे आप हेल्दी न्यूट्रिशंस लीजिए, फिर भी अगर आपके पोर्स क्लॉक है तो ये जो है वो जितने मर्जी DIY कर लीजिए, इससे हमारे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अपने पोर्स को क्लीन करना होगा, इसको हेल्दी न्यूट्रिशंस देने होंगे। तो इसके स्कैल्प पे भी पोर्स है, जो अगर हम इसकी केयर नहीं करेंगे तो हमारी क्या क्या प्रॉब्लम हमें आती है, हमें डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो जाती है, इचिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, और हमारी हेयर ग्रोथ बिल्कुल नहीं होती है, हमें बाल झड़ते हैं, टूटते हैं, हेयर फॉलिकल्स होते हैं वो बिल्कुल इचिंग कर करके, जैसे डैंड्रफ है तो इचिंग कर करके वो मजबूत नहीं रहते हैं, उससे क्या होता है, उससे हमारे धीरे धीरे करके बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। तो पहले हमने स्कैल्प को ही क्लीन करना है। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो आप तो हेल्दी डाइट लेनी ही है, अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपके 30 डेज का चैलेंज है, आप इसे कीजिए और आप देख, वॉल्यूम भी इससे होगी, आपके हेयर ग्रोथ भी इससे होगी, और आपके अगर बालों में शाइन नहीं है तो आपके बालों में शाइन भी आ जाएगी, स्प्लिट एंड की प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और स्प्लिट एंड के लिए मैं आपको एक बात और बताती हूँ, आप 1 मंथ में कटिंग जरूर चाहे अपने आप ही कर लीजिए। देखो, मैं खुद ही अपनी कटिंग करती रहती हूँ थोड़ी थोड़ी, जब भी मुझे लगता है। तो इससे भी क्या होता है, अगर हमारे 2 मुंह बन जाते हैं तो तब भी हमारी हेयर ग्रोथ नहीं होती है बालों की। तो आप बालों की ट्रिमिंग करते रहना है बिल्कुल। स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरी चैनल पर फर्स्ट टाइम मुझे वॉच कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हेयर क्लींजिंग के लिए यहाँ पे बनाएंगे टोनर। तो टोनर बनाने के लिए यहाँ पे मैं 3 स्पून ले लूँगी राइस के, और 2 स्पून इसके अंदर ऐड कर दूँगी फेन्युग्रीक के, और इसको मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी पानी, और पानी डालने के बाद हम इसे ओवरनाइट के लिए छोड़ देंगे। इसको पहले अच्छे से कवर कर लेना है और फिर इसे ओवरनाइट के लिए छोड़ देना है। और नेक्स्ट डे ये देखिए सारे जितने भी एक्सट्रैक्ट हैं इस वाटर के अंदर आ गए हैं। तो इसको मैं वाटर को जो है वो स्टेन कर लूँगी, और जो इसको आप पैक भी लगा सकते हो ग्राइंड करके, और साथ में जो ये हमारा टोनर के लिए रेडी हो गया है। और इसके अंदर मैंने डाला है एप्पल साइड विनेगर, ये देखिए इस तरह से सेब का सिरका, इसके अंदर हम 1 स्पून डाल देंगे। पहले शेक कर लेना है, उसके बाद इसके अंदर 1 चम्मच ही डालना है, और ये आपने 1 वीक तक आप इसे फ्रिज के अंदर स्टोर करके भी रख सकते हो। अब मैं स्प्रे बोतल में इसे डाल दूँगी, और आपने 30 डेज इसे अप्लाई करके देखिए, आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे मैं हेयर मास्क बनाऊँगी, और हेयर मास्क बनाने के लिए मैंने क्या लिया है, यहाँ पर 2 एग लिए हैं, देखिए इस तरह से। अगर आपको एग की स्मेल आती है तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसके अंदर लेमन को भी स्क्वीज़ कर सकते हो, इससे आपके बालों में स्मेल नहीं आएगी, या फिर आप एसेंशियल ऑयल को भी डाल सकते हो। तो पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी एप्पल साइड 2 स्पून डाल दूँगी, और साथ में मैं हनी डाल दूँगी, और साथ में 1 स्पून मैं इसमें कोकोनट ऑयल के डाल दूँगी। इसको मिक्स कर लेना है, और अब मैं आपको इसे अप्लाई और इसके बेनिफिट आपको बता पहले अपने बालों में से टैंगल को हटा लेना है। इससे क्या होगा, आपको कोई भी टोनर लगाना या मास्क लगाने में इजी रहता है। तो सबसे पहले आपने अपने बालों में अच्छे से कंघी कर लेनी है, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने पूरी स्कैल्प पे इसे अच्छे से लगाना है। पूरी स्कैल्प पे आपने अच्छे से स्प्रे कर लिया, इससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, आपकी स्कैल्प पूरी क्लीन हो जाएगी इसके साथ। इससे आपको क्या, किसी भी तरह का जो बैक्टीरिया है या किसी तरह की इन्फेक्शन है वो ठीक हो जाएगी इसके साथ, क्योंकि जो इसके अंदर मैंने एप्पल साइड विनेगर डाला था वो उसमें मैलिक एसिड होता है जो किसी भी इन्फेक्शन को ठीक कर देता है और हेयर ग्रोथ करने में हेल्प करता है।
उसके बाद आपने करना क्या है, उसके बाद अपने बालों को आपने मसाज करनी है। और मसाज आपने कैसे करनी है, नीचे की तरफ आपने बालों को करना है। उसके बाद आपने अच्छे से मसाज करनी है 5 मिनट। इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से हो जाएगा। जो इसके अंदर मैंने फेन्युग्रीक डाला था वो न्यूट्रिशंस उसमें मिल जाएंगे, जो हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। और ये हमने स्कैल्प पे ही लगाना है, क्योंकि हमारी हेयर ग्रोथ जो होती है वो स्कैल्प से ही होती है, तो हमें स्कैल्प पे ही काम करना है। उसके बाद जो मैंने इसके अंदर चावल का पानी डाला था वो मैंने फॉर्मेट किया हुआ था, तो फॉर्मेट करने से क्या, आपको जितने भी इसके पोषक तत्व है वो इसके अंदर आ गई है। आपके बालों की चमक को बढ़ाएगा, ये आपके बालों को हेल्दी रखेगा, फास्ट हेयर ग्रोथ करने में हेल्प करेगा। टोनर अप्लाई कर लिया, टोनर के बाद अब यहाँ पे मैं हेयर मास्क अप्लाई करूँगी। तो हेयर मास्क अप्लाई करने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया, लेकिन ये थोड़ा सा इसकी कंसिस्टेंसी लिक्विड होती है, और आपने इसे लगाना है अपने स्कैल्प पे। तो आपने क्या करना है, स्कैल्प पे आपने अच्छे से इसे लगा लेना है। थोड़े थोड़े बालों के सेक्शन करने के बाद आपने इसे पूरे स्कैल्प पे लगाना है। होता है कि 70% जो है हमारे बालों को प्रोटीन चाहिए होता है, तो मैंने यही कोशिश की है कि आपको जितने भी मैंने इसके अंदर इंग्रेडिएंट डाले हैं वो सारे न्यूट्रिशंस आपको इसमें मिल जाए। तो मैंने एग डाले थे, सबको पता है कि एग के अंदर प्रोटीन होता है, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, अमीनो एसिड होता है, जो हमारे बालों की ग्रोथ के लिए अच्छा होता है, और ये हमारे बालों को लंबा करेगा, साथ में हमारे बालों को सिल्की और शाइनी भी बनाए। मैंने डाला था एप्पल साइड विनेगर, वो किसी भी इन्फेक्शन को ठीक करने में हेल्प करता है, क्योंकि उसके अंदर जो होता है वो एंटी बैक्टीरिया, एंटी फंगल गुण होते हैं, जो हमारे स्कैल्प से हमारे डैंड्रफ को ख़त्म करेगा, और हमारे किसी भी हमारे इन्फेक्शन हो गई है उसे ठीक करेगा। और अगर ये ठीक हो गई तो हमारे हेयर ग्रोथ भी से अच्छे से होगी, और साथ में हमारे जो है वो बालों को थिक कर और लंबा करेगा। और जो इसके अंदर मैंने हनी डाला था, हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा, एक अच्छा टेक्सचर देता है, और ये हमारे बालों को शाइनी बनाता है। और साथ में जो मैंने इसके अंदर डाला था कोकोनट ऑयल क्या करेगा, हमारे बालों को नर्शिंग करेगा। ये हमारे बालों की अच्छी नर्शमेंट हमें जब मिलेगी तो इससे हमारी हेयर ग्रोथ अच्छी होगी, हमारे हेयर फॉल कंट्रोल हो जाएगा, और हमारा इससे हमारे बाल जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे, सिल्की हो जाएंगे, शाइनी हो जाएंगे। के बेनिफिट मैंने आपको बता दिए। अब आगे रूट से लेके एजेस तक आपने इसे लगा लेना है, पूरी लेंथ पे आपने इसे अच्छे से लगा लेना है। उसके बाद आप क्या करना है, आपने उसके बाद 2 घंटे इसे रखना है, और 2 घंटे बाद इसे वॉश कर लेना है। अगर आपको लगता है कि मुझे एग में स्मेल आती है, तो आपने या तो अगर आपके पास एसेंशियल ऑयल है तो उसे डाल लीजिए, अगर नहीं है तो आप 1/2 लेमन को स्क्वीज कर लीजिए और इसे डाल लीजिए, आपको स्मेल नहीं आएगी। उसके बाद आपने 2 घंटे बाद शैम्पू के साथ इसे वॉश करना है, क्योंकि इसकी स्मेल होती है, तो आपने इसे शैम्पू के साथ वॉश कर लेना है। और ये 30 डेज़ का चैलेंज है, आपने 30 डेज़ जो है वो वीक में 2 बार इस तरह से करना है। तो इस तरह से, और आपने टोनर को तो डेली यूज़ करना है, बालों को बांध लेना है। बांधने के बाद आपने इस पर शावर कैप लगा लीजिए, शावर कैप नहीं है तो आप वेजिटेबल पॉलोथीन को अपने बालों में लगा लीजिए। तो 2 घंटे छोड़ लेना है। उसके बाद अब मैं आपको अपने बालों को दिखा रही हूँ सनलाइट में, तो आप मेरे हेयर देख सकते हो कितने सिल्की शाइनी और लग रहे हैं सनलाइट में। इसीलिए मैंने आपको अपने बाल दिखाए हैं सनलाइट में, कि ये फर्स्ट डे में ही आपको ये बेस्ट रिजल्ट देगा। तो फ्रेंड्स, आई होप ये आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो अगर आप इस तरह से अपने बालों की रेगुलर केयर करोगे तो आपके हेयर ग्रोथ भी होगी, आपके वॉल्यूम भी बढ़ेगी, आपके हेयर फॉल बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगा, डैंड्रफ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कैसा लगा ये आज का मेरा आपको वीडियो, अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।